अफ्रीकी सवाना के विशाल विस्तार पर सूरज ढल रहा था, जिससे परिदृश्य पर सुनहरा रंग छा रहा था। हवा जंगली घास और दूर से हो रही बारिश की खुशबू से भरी हुई थी। इस जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा जंगल था, जिसके पेड़ ऊंचे और गर्व से खड़े थे। उनके पत्ते हवा में रहस्य की बातें कर रहे थे। इस जंगल के भीतर ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों से घिरे एक समाशोधन में बसा शेर राजा का राज्य था। शेर राजा अस्लान नाम का एक शानदार शेर बुद्धि और ताकत के साथ जंगल पर राज करता था। उसका अयाल एक समृद्ध भूरा रंग का था, जो उसकी पीठ से आग की नदी की तरह बह रहा था और उसकी आंखों में युगों का ज्ञान चमक रहा था। अस्लान का जंगल के सभी जीव सम्मान करते थे, न केवल उसकी शक्ति के लिए बल्कि उसकी निष्पक्षता और दयालुता के लिए भी। उसकी दहाड़ मीलों तक सुनी जा सकती थी, एक ऐसी आवाज जिसने उसके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया और उसके दोस्तों को आश्वस्त कर दिया। अस्लान का परिवार उसका सबसे बड़ा खजाना था। उसकी साथी नाला बेमिसाल सुंदरता और शालीनता की शेरनी थी। उसका कोट एक नरम सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं। वह न केवल उपाधि में बल्कि आत्मा में भी रानी थी, जो अन्य जानवरों को कोमल लेकिन दृढ़ हाथ से मार्गदर्शन करती थी। साथ में उनके तीन शावक थे, कोवू झुंड में सबसे बड़ी और सबसे जिज्ञासु, कियारा साहसी और साहसी बेटी, और कियोन सबसे छोटी, जो अभी भी जंगल के तरीके सीख रही थी। एक दिन जब परिवार एक बड़े बाओबाब पेड़ की छाया में आराम कर रहा था, कोवू अपने पिता के पास एक सवाल लेकर आया जो उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था। पिताजी, उसने शुरू किया, उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, हम जंगल पर राज क्यों करते हैं? दूसरे जानवर हमें क्यों देखते हैं? अस्लान ने अपने बेटे की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। हम राज करते हैं क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, कोवू, उसने कहा। लेकिन उससे भी बढ़कर हम इसलिए शासन करते हैं क्योंकि हम इस जंगल के सभी प्राणियों की परवाह करते हैं। एक सच्चा राजा अपने लिए सत्ता नहीं चाहता, वह उन लोगों की रक्षा और मार्गदर्शन करना चाहता है जो उस पर निर्भर है। कोवू ने सिर हिलाया, हालांकि उसके मन में अभी भी सवाल थे। लेकिन क्या होगा अगर कोई और राजा बनना चाहे? क्या होगा अगर वे तुम्हें चुनौती दें? अस्लान की नजर गंभीर हो गई। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो गलत कारणों से सत्ता चाहते हैं। लेकिन केवल ताकत ही राजा नहीं बनाती, यह बुद्धि साहस और सही काम करने की क्षमता है, भले ही यह मुश्किल हो। कियारा, जो चुपचाप सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी, मैं बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारी और माँ की तरह बनना चाहती हूँ। मैं जंगल और उसके सभी जीवों की रक्षा करना चाहती हूँ। नाला अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराई, तुम कर पाओगी कियारा, लेकिन याद रखना, नेता होना सिर्फ बहादुरी नहीं है, यह दूसरों को समझने, करुणा दिखाने और यह जानने के बारे में है कि कब लड़ना है और कब शांति स्थापित करनी है। जैसे ही शावकों ने अपने माता पिता की बातों को आत्मसात किया, पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। परिवार तनाव में आ गया, किसी भी चीज के लिए तैयार। छाया से राफिकी उभरा, बुद्धिमान बूढ़ा मंड्रिल जो कई सालों से अस्लान का विश्वसनीय सलाहकार था। उसका चेहरा चमकीले रंगों से रंगा हुआ था और वह लौकी और पत्तियों से सजी अपनी छड़ी लिए हुए था। आह अस्लान, मेरे पुराने दोस्त, राफिकी ने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, मैं देख रहा हूं कि आज बच्चे सवालों से भरे हुए हैं। अस्लान ने हंसते हुए कहा, वे सीखने के लिए उत्सुक है राफिकी, जिज्ञासु होना अच्छा है। राफिकी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। जिज्ञासा ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन बहुत ज्यादा जिज्ञासा किसी को खतरे में डाल सकती है। वह शावकों की ओर मुड़ा, क्या तुमने कभी महान नदी की कहानी सुनी है? शावकों ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। राफिकी ने अपनी छड़ी पर झुककर कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत पहले, तुम्हारे पिता के जन्म से भी पहले, इस जंगल से होकर एक महान नदी बहती थी। यह जीवन का स्रोत थी,
जो सभी जानवरों को पानी देती थी। लेकिन नदी पर एक भयंकर मगरमच्छ का पहरा था, जो किसी को भी तब तक पानी नहीं पीने देता था जब तक कि वे उसकी पहेली का जवाब न दे। पहेली क्या थी, कियोन ने पूछा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गई थीं। राफिकी मुस्कुराया। मगरमच्छ ने पूछा, जंगल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि यह ताकत है, दूसरों ने कहा कि यह भोजन या पानी है। लेकिन जिन लोगों ने गलत जवाब दिया, वे फिर कभी नहीं देखे गए। शावक यह सोचकर कांप उठे, क्या कभी किसी ने सही जवाब दिया? कियारा ने पूछा। हाँ, राफिकी ने उत्तर दिया। एक दिन एक छोटी चिड़िया नदी पर आई। वह न तो मजबूत थी, न ही शक्तिशाली, लेकिन वह बुद्धिमान थी। मगरमच्छ ने उससे पहेली पूछी और उसने उत्तर दिया, जंगल में सबसे महत्वपूर्ण चीज संतुलन है। मगरमच्छ हैरान हुआ और उसने उसे समझाने के लिए कहा। चिड़िया ने कहा, संतुलन के बिना मजबूत बहुत ज्यादा ले लेगा और कमजोर को नुकसान होगा। संतुलन के बिना जंगल में अराजकता फैल जाएगी। मगरमच्छ उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे पानी पीने की अनुमति दी और उसे सभी प्राणियों तक यह बात फैलाने के लिए कहा। शावक चुप थे, कहानी पर विचार कर रहे थे। कोवू सबसे पहले बोला, संतुलन, यही तो तुम और माँ करते हैं। एन, तुम जंगल में संतुलन बनाए रखते हो। असलान ने सिर हिलाया। हाँ कोवू, यह हमारा कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजबूत लोग कमजोर लोगों को नुकसान न पहुंचाए और सभी के पास वह सब कुछ हो जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए। नाला ने कहा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक सम्मान भी है, और एक दिन यह आपकी भी जिम्मेदारी होगी। सूरज क्षितिज से नीचे डूब चुका था और जंगल में रात के जीवों की आवाजें गूंज रही थीं, जो अपनी रात की दिनचर्या शुरू कर रहे थे। जुगनू हवा में नाच रहे थे, उनकी रोशनी सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। असलान खड़ा था, अपने शक्तिशाली अंगों को फैलाते हुए। आओ, अब अपने मांद में लौटने का समय हो गया है। परिवार जंगल से होकर चला। चांद उनके रास्ते पर चांदी की चमक बिखेर रहा था। जैसे ही वे अपनी मांद के पास पहुंचे, कियोन ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, क्या मैं कभी आपके जितना मजबूत हो पाऊंगा? असलान अपने सबसे छोटे बेटे की ओर देखकर मुस्कुराया। शक्ति कई रूपों में आती है कियोन, समय के साथ तुम अपनी शक्ति पाओगे, लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति तुम्हारी मांसपेशियों में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में होती है। शावक रात के लिए अपने माता पिता के करीब आकर बैठ गए। उनके परिवार की गर्मजोशी उन्हें घेरे हुए थी। बाहर का जंगल विशाल और जंगली था, खतरों और रहस्यों से भरा हुआ, लेकिन शेर राजा के परिवार के भीतर सुरक्षा, प्यार और एक वादा था कि वे जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना साथ मिलकर करेंगे। जैसे ही ऊपर तारे टिमटिमाने लगे, असलान और नाला ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि उनके शावक एक दिन बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बनेंगे, जंगल में संतुलन और सद्भाव की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और उस सुकून देने वाले विचार के साथ शेर राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस ज्ञान से संतुष्ट कि उनके राज्य का भविष्य अच्छे हाथों में था।